गाइस, हम लड़कियों के ब्रेस्ट से रिलेटेड ना बहुत सारे इश्यूज अक्सर होते रहते हैं और उसका सलूशन हमें कहीं मिलता ही नहीं, मिलेगा भी कहाँ से। स्कूल में कभी हम बात नहीं करते इस बारे में, सगी संगति दोस्त या हर फ्रेंड्स कोई इसके बारे में बात नहीं करता और नॉलेज और एजुकेशन के बारे में होती ही नहीं। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ ऐसी ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स की जो हर लड़की को कहीं ना कहीं कभी ना कभी जिंदगी के किसी मोड में हो ही जाती है। आप देख रहे हो वी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और देखने के लिए मेरी वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना अपने सारे सगे संबंधियों के साथ। और अगर आप कोई कमेंट करके चाहते हो अपनी किसी भी क्वेरी से या इस वीडियो से रिलेटेड, तो आपका नाम मैं फ्लैश करूंगी वीडियो के एंड में। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूं रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन है जो मुझे अक्सर मेरे कमेंट सेक्शन या मेल में मुझसे पूछा जाता है कि why our nipples are dark? So, अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि आपका निप्पल या फिर ब्रेस्ट का एरिया थोड़ा सा डार्क क्यों है या बहुत ही ज्यादा डार्क क्यों है या फिर पिंक क्यों नहीं है। सो गर्ल्स, इंडियन स्किन टोन के हिसाब से मोस्टली गर्ल्स के निप्पल्स डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन होते हैं। ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है, आपको इसके लिए कोई भी होम रेमेडी DIY करने की जरूरत नहीं है। एंड बी कॉन्फिडेंट द वे यू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निप्पल का शेप और साइज अलग अलग क्यों होता रहता है और क्या चीजें इफेक्ट करती हैं इसके शेप और साइज को। निप्पल का साइज और शेप हार्मोनल चेंजेस की वजह से चेंज होता रहता है, जैसे कि फर्स्ट पीरियड, एजिंग या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके निप्पल्स का कलर लाइट या डार्क हो सकता है। आपके निप्पल्स कम्प्लीटली फ्लैट या इन्वर्टेड हो सकते हैं इन सब रीजन की वजह से। सो दैट्स ऑल्सो ओके, चिल मारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई माय ब्रेस्ट साइज इज डिफरेंट। अगर आपके ब्रेस्ट के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखते ही पता चल रहा है कि एक बहुत ही ज्यादा बड़े है, एक बहुत ही ज्यादा छोटे हो रहे हैं, अचानक से साइज में डिफरेंस हो गया, एक अलग से स्वेलअप हो गया है, अचानक कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से एक ब्रेस्ट का साइज फूलता ही जा रहा है और वहां पे आपको पेन भी हो रहा है, तो हो सकता है आपको कोई ब्रेस्ट से रिलेटेड इशू हो रहा होगा, तो प्लीज आप डॉक्टर से विजिट कर लीजिए। लेकिन अगर थोड़ा बहुत चेंज नजर आता है 19-20 का, क्योंकि हर किसी के ब्रेस्ट में थोड़ा बहुत चेंज होता ही है, दैट्स ओके। क्या रात को ब्रा पहन करके सोना चाहिए या बिना ब्रा के भी सोया जा सकता है? कितनी लड़की के मन में ये वाला सवाल गूंज रहा होगा। अक्सर हम सोचते हैं ना यार, ब्रा तो हम लड़कियों का दुश्मन है। सच में इतना ज़्यादा अजीब सा लगता है, बहुत अनकंफर्टेबल लगता है ना ब्रा पहनने के बाद। लेकिन गौर फरमाइए, ब्रा पहनने के बाद अनकंफर्टेबल तभी लगता है जब ब्रा आपने गलत शेप और साइज का पहना हुआ हो। अगर आपको यहाँ से टाइट लग रहा है, स्ट्रैप में यहाँ डिगिंग हो रहा है, स्किन पे रैशेस पड़ रहे हैं, निशान गड्ढे छोड़ करके जा रहा है, तो वो ब्रा आपके साइज का नहीं है। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू मेजर ब्रा, ऐसे करके एक वीडियो थी मेरी, तो वो आप देख लीजिए, उसमें पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन है। आज की वीडियो में मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगी कि देखो, अगर आप कंफर्टेबल हो ब्रा पहन के सोने में, इट्स ओके। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, उतार दो। नेकेड सोने में भी कोई नुकसान नहीं है, कई साइंटिफिक रिसर्चर्स कहती हैं कि नेकेड सोने में बहुत ज़्यादा फायदा हो। तो अगर आप अकेले अपने रूम में सो रहे हो और या फिर आप मैरिड कपल हो और दोनों का प्रॉब्लम नहीं है, सो गो नेकेड, दैट्स कम्प्लीटली ओके। जरूरी नहीं है कपड़े पहन करके ही आपको सोना है। लेकिन ब्रा पहन करके सो रहे हो और अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, तो प्लीज़ अपने ब्रेस्ट को रात को रेस्ट करने का मौका दो। और हाँ, गलती से भी टाइट ब्रा पहन करके रात को मत सोना, इससे आपके ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, मतलब ग्रो ही नहीं कर पाते हैं। सो ये बात का ध्यान रखना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट बिगड़े ना, इसलिए या तो लूज ब्रा पहन करके सो या विदाउट ब्रा पहन करके सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ब्रा पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील हो तो क्या करना चाहिए? आपने एक चीज़ का नाम तो सुना ही होगा ना, बॉडी लोशन। हर जगह लगाते हो, पूरे बॉडी पार्ट पे, ब्रेस्ट पे क्यों नहीं लगाते? अगर आपको वहाँ ड्राइनेस फील हो रही है, सो प्लीज़ बॉडी लोशन वहाँ पे लगाइए। अगर आपको थोड़े से स्ट्रेच मार्क्स के निशान भी वहाँ नज़र आ रहे हैं, तो आप एलोवेरा जेल लगा लीजिए, काफ़ी इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे रिसीव हुआ कि निप्पल्स के ऊपर जो हेयर होते हैं वो क्यों होते हैं और उसका क्या करें? देखो, हमारी पूरी बॉडी पे बाल हैं, कुछ हिस्सों को छोड़ करके, मतलब आप देख ही रहे हो कौन कौन से हिस्सों को छोड़ करके बाल नहीं है, बाकी सर से लेकर पैर तक पूरी शरीर बाल में ढका रहता है, कहीं ज़्यादा होते हैं कहीं कम होते हैं, नज़र नहीं आते हैं, लेकिन बाल तो होते ही हैं। तो भले ही आपके निप्पल्स ही क्यों ना हो, तो निप्पल्स के आसपास भी बाल होना एक आम बात है, हर लड़की का होता है, ठीक है? अगर आपको वो पसंद नहीं है, अनकंफर्टेबल लगता है आपको, तो आप उसको प्लक कर लीजिए, ट्रिम कर लीजिए, सीजर से कट कर लीजिए, आपकी मर्जी है। लेकिन कभी भी वैक्सिंग उसके ऊपर मत करना या फिर ब्लीच या फिर हेयर रिमूवल क्रीम्स मत लगाना, क्योंकि आपके ब्रेस्ट का एरिया बहुत सेंसिटिव है, वहां ऐसी वैसी कोई चीज कर ली तो नुकसान आप ही को होगा। एक टिप
मैं आपको देना चाहूंगी, बहुत लड़कियों को नहीं पता, जब आप सोती हैं ना किसी भी दिशाओं में सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ब्रेस्ट के बल पे ऐसे फेस को बेड की तरफ करके अगर आप सोते हो लंबे समय के लिए, थोड़ा बहुत चलता है लेकिन पूरी रात वैसे सोते हो तो सही नहीं है, ब्रेस्ट दब जाते हैं। सो क्या होता है, उनकी डेवलपमेंट अफेक्ट करती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, मतलब वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपको ब्रेस्ट में बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखो कि ज्यादा देर तक ब्रेस्ट के बल ना सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तरीके के ब्रेस्ट सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं? मैं बताऊं, उस तरीके के ब्रेस्ट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं जिसमें कॉन्फिडेंस बना रहता है, फिर चाहे ब्रेस्ट का साइज बड़ा हो छोटा हो ही ना कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्फिडेंस कैरी करना चाहिए। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज का परफेक्ट शेप नहीं है, कोई भी लड़की परफेक्ट नहीं है। खूबसूरती को शब्दों में कैटेगराइज नहीं किया जा सकता कि हाँ ऐसे दिखोगे तो सुंदर हो, वैसे दिखोगे तो सुंदर हो, मोटा काला पतला लंबा छोटा, हर स्किन ब्यूटीफुल है, हर लड़की गॉर्जियस है, बट आप गॉर्जियस तब तक रहते हो जब तक आप खुद की नजरों में खुद को ऐसा फील करते हो कि हाँ भाई हम तो बहुत अट्रैक्टिव हैं। दूसरों की नजरों से खुद को मत देखो, अपने आप को अपनी नजरों से देखो, फिर दुनिया आपको आपकी नजरों से देखने लग जाती है, और उस नजर में होता है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, चाहे गर्ल हो या बॉय हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये हैक। क्या ब्रेस्ट के अंदर सूजन आना या दर्द होना नॉर्मल है? ऑफ कोर्स, अगर आपके जब पीरियड्स आने वाले होते हैं तब आपके ब्रेस्ट में हल्का फुल्का दर्द आपको महसूस हो सकता है, कई लड़कियों को होता है, कई लड़कियों को नहीं भी होता है, मुझे नहीं होता है, बहुत से लड़कियों को होता है। तो अगर आपको ऐसा होता है तो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, अगर ये पीरियड आने के पहले हर बार आपको होता है और आप इस दर्द से जान में है, जान पहचान है आपकी इस दर्द से, लेकिन आप उस दर्द से अनजान है, बहुत ज्यादा हो रहा है, दिक्कत दे रहा है, तो डॉक्टर को जाकर के विजिट करो। हर चीज का जवाब इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे आपको कुछ बेसिक चीजें इन्फॉर्मेशन बता सकती हूँ जिसके बारे में आमतौर पे बात नहीं किया जाता है। मैं कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं बताती हूँ और ना ही मैं कोई सर्जरी करना सिखाती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर। मैं बस आपकी बड़ी या छोटी बहन हो सकती हूँ या फिर फ्रेंड मान सकते हो। ब्रेस्ट में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हमें डॉक्टर के पास भागना चाहिए? है इसका जवाब आपके पास? कमेंट करके बताओ। अगर आपके ब्रेस्ट पे किसी भी तरीके के बम्प्स हैं, निप्पल के अराउंड कोई भी लिम्फ है, या फिर अगर आपको किसी भी तरीके का निप्पल डिस्चार्ज फील हो रहा है, आपकी स्किन का कलर चेंज हो रहा है, स्किन वहां की फ्लेक हो रही है, इचिनेस हो रही है बहुत ज्यादा, अगर आपको कुछ बड़ा सा चेंज नजर आता है ना तो आपको डॉक्टर को जरूर विजिट करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, हाउ आई कैन इंक्रीज माई ब्रेस्ट साइज? आप अपने ब्रेस्ट का साइज कैसे इंक्रीज कर सकते हो किसी भी होम रेमेडी से, और वो भी 7 दिन के अंदर अंदर? रिसेंटली मुझे ये क्वेश्चन रिसीव हुआ। तो 7 दिन के अंदर ऐसी रेमेडी जो आपके ब्रेस्ट को बड़ा कर दे, मैं आपको बताती हूँ, ऐसी रेमेडी कोई नहीं है, है तो सिर्फ मेहनत, वो है एक्सरसाइज, या फिर आप अपने ब्रेस्ट के ऊपर मसाज कर सकते हो, रोज रात को सोने से पहले हल्का सा ऑयल लो और उसे मसाज कर लिया करो, ये इफेक्टिव हो सकता है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का, लेकिन एक्सरसाइज करोगे तो काफी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे विद इन अ मंथ। लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूंगी, आपके ब्रेस्ट बड़े छोटे हैं ही नहीं, कैसे भी हो कोई बात नहीं यार, जस्ट फील कॉन्फिडेंट। ब्रेस्ट की ब्यूटी मैटर नहीं करती, आपकी इनर ब्यूटी मैटर करती है। स्टिल अगर आपके ब्रेस्ट बहुत छोटे हैं और आप चाहते हो कि वो थोड़ा सा फुलर अपेयर हो, तो आप पुशअप ब्रास पहन सकते हो, पैडेड वाले ब्रा पहन सकते हो, या अगर आपके ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो आप थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करके वेट लॉस करके अपने ब्रेस्ट का साइज कम कर सकते हो। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका वेट लॉस होता है, तो लॉस पूरी जगह से होता है, चाहे वो फेस हो, ब्रेस्ट हो, बॉडी हो, थाई हो, आर्म्स हो, हर जगह का वेट लॉस होता है। तो एक्सरसाइज एक बहुत अच्छा माध्यम है अपने ब्रेस्ट के वजन को कम करने का। सो गाइस, ये तो थे ब्रेस्ट से रिलेटेड कुछ सवाल जिसके बारे में आप जानना चाहते थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड मिस्टर इंसिस्टेंस मेरा ब्लॉग चैनल है वो जरूर देखिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।